हमारा सामान सेफ्टी ब्रीफिंग में मोस्टली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हमेशा ऑन रेडी पोजिशन जैसा बताया गया है एज डायरेक्टेड। जैसा आप देख रहे हैं टीम कमांडर द्वारा घटना स्थल पर मौजूद खतरों को पता लगाने के लिए डिटेक्शन टीम को रेकी करने का आदेश दिया गया। सेफ्टी ऑफिसर द्वारा पीपीई का जांच किया जा रहा है जिससे रेस्क्यूअर अपनी सेफ्टी को मजबूत रख सके। किया जा रहा है जो कि सेल्फ कंटेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है जो उनको सांस लेने में मदद करती है जिससे कंटामिनेटेड एयर उनके बॉडी से इनहेल ना हो। साथ ही टीम मेंबर के पास सीवीआर खतरों का पता लगाने के लिए टेलीटैक्टर माइक्रोवास्तवामीटर मिनी रैट जैसा कि आप देख रहे हैं इशारा दिया गया सेफ्टी डिटेक्शन टीम के द्वारा जानकारी बता सकती है। द्वारा डिटेक्शन टीम के द्वारा सेफ्टी ऑफिसर को इशारा किया गया का यूज किया गया है या कार्य आम जनता के प्रवेश को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। डिटेक्शन टीम के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज की जा रही है ये किसी भी प्रकार की रेडिएशन के बारे में जानकारी दे सकती है। इसके अलावा आपको और ये बताना चाहेंगे मंच के बाएं कमांड पोस्ट के बाएं और आप देख सकते हैं विक्टिम को इवैक्यूएशन टीम द्वारा वेटिंग एरिया में ले गया जो मोस्टली द्वारा फिर इवैक्यूएशन टीम द्वारा हॉट एरिया में प्रवेश करती है विक्टिम को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। हर एक सूट को दोबारा हम यूज नहीं करते हैं उसे डिस्पोज किया जाता है उसका अलग एक प्रोसीजर है। लेती ओवरबूट और ओवरग्लव्स को उतारने के बाद अगला स्टेप जहां पे आप देख रहे हैं मॉनिटरिंग की जा रही है। निकालने के बाद भी अगर उनके बॉडी में कहीं भी रेडिएशन का खतरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसलिए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जॉइंट एक्सरसाइज जिसमें कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो ऑपरेशन किस तरह से हो इसको इसी पर बेस्ड होता है। और अभी भी जो हमारा मॉक एक्सरसाइज हुआ था हालांकि बहुत सारे जो एजेंसीज हैं फुल पूरी तरह से हमने पार्टिसिपेशन नहीं कराया क्योंकि इसमें आपको पता है कि कहीं पर भी अगर कुछ इस तरह के जो सब्सटेंस मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर में तो सबसे पहले वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो अवेलेबल हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं।